प्रयागराज में भी एक वकील की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई है। प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के रोशन बाग मोहल्ले में वकील की गोली मारकर हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वकील सनाउल्लाह जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। बुधवार को देर तक उनके कमरे से कोई आहट नहीं मिलती देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में वकील के खून से लथपथ शव मिलने के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इस दौरान परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बहुत कुछ साफ हो सकेगा। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस की कुछ टीमें लगाई गई हैं। ये सनाउल्लाह साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते थे और बहुत ही सज्जन आदमी थे। जितना मैं जानता हूँ, मेरे काफ़ी समय से बहुत पुराने इनसे संबंध रहे और बहुत ही सज्जन सोशल आदमी थे। हंसना बोलना और बड़ा मिलनसार व्यक्ति टाइप के व्यक्ति थे। यहाँ पे किराएदार थे और आज क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनकी पत्नी घर में नहीं थी, कोई और रहता नहीं, बेटे बाहर हैं इनके। और जब पत्नी दोपहर में आई हैं तब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जब गई हैं तो एकदम वो औंधे पड़े थे और ब्लड उलट जम चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर पहले, कुछ समय, कुछ घंटा पहले इनको मारा गया है। क्या लगता है, क्या?